नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रिकेट पे। दोस्तों, आप देख सकते हैं RPSC की तरफ से अभी अभी एक प्रेस नोट है, वो जारी किया गया है। जो RPSC की असिस्टेंट प्रोफेसर वाली एग्ज़ाम और रिट के बीच जो गतिरोध हो रहा था, कई अभ्यर्थियों के मन में ये द्वंद्व था या फिर जानबूझकर द्वंद्व बनाने की कोशिश की जा रही थी एक बार फिर एग्ज़ाम को आगे पोस्टपोन करने के लिए, उसके ऊपर अब विराम वो लग चुका है। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर RPSC के ये प्रेस नोट है, इसमें 26 तारीख का स्थान वो खाली छोड़ दिया है। मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पहले वाली एग्ज़ाम डेट थी 22 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक, उसमें अब 26 तारीख को रेट के लिए खाली छोड़ दिया गया है और एग्ज़ाम की डेट है वो 22 सितंबर से 25 सितंबर और इसके बाद है वो 27 सितंबर से 6 अक्टूबर तक कर दिया है। मतलब जो 26 तारीख को पेपर होना था वो 5 और 6 दो दिन एक्स्ट्रा हम ले लिए हैं और 26 को रेट के लिए एकदम से खाली छोड़ दिया। तो अब किसी के मन में ये विचार नहीं आएगा कि यार एग्ज़ाम होगी या नहीं होगी, तो आपकी एग्ज़ाम वो डेफिनेटली होने वाली है। इसका कारण मैं पहले ही बता चुका हूँ कि गवर्नमेंट के चुनाव में जाना है वापस से, तो ये भर्तियाँ वो करवानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे लगभग 16 लाख अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं। तो आप अगर एक के परिवार में 4 अभ्यर्थी भी जोड़ो तो लगभग 1 करोड़ सीधे सीधे 1 करोड़ जनसंख्या को ये रिट की मतलब परीक्षा वो प्रभावित कर रही है। तो गवर्नमेंट इतना बड़ा रिस्क वो बिल्कुल भी नहीं लेगी और एग्ज़ाम है वो डेफिनेटली 26 सितंबर को होने वाली है। इसके लिए आप बिल्कुल भी इसमें समय बर्बाद वो ना करें और अपनी तैयारी को लगातार आगे बढ़ाते रहें। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ दी गई जानकारी आपको बहुत शानदार लगी होगी और आपके मन में एक डाउट है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया होगा कि यार एग्ज़ाम होगी या नहीं होगी। अब आपका पूरा पूरा ध्यान आप पढ़ाई पर ज़रूर लगाएं। तो दोस्तों, मिलते हैं जल्दी दूसरे वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।